सो ये सिंगल साइड का चेंज होने वाला है डबल साइड में, फ्रॉम दिस टू दिस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MR Vlogs। वेल, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है इस स्विच के मामले में। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट पहले दिखाया था फ्रॉम दिस टू दिस, तो हैज़ार्ड स्लाइड। अभी बारिश का मौसम है तो मेरे दोस्त जो है वो काफ़ी बारिश में गाड़ी चलाता है, तो फॉर सिक्योर रीज़न जब बारिश गिरता है तो वो विजिबिलिटी कम होता है, तो हैज़ार्ड स्लाइड मोस्टली इंडिया में उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो चालू करते मैं पूरा स्टेप वाइज आपको बताऊँगा कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, जितने भी स्टेप रहेंगे आप देखते जाना, एंड तक वीडियो देखना। एंड में सर्किट बोर्ड का भी डायग्राम आपको मिलने वाला है, तो किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो के साथ। पहला स्टेप होने वाला है आपका जो फ्रंट फेयरिंग है ये वाला, उसको निकालने से। तो उसके निकालने के लिए आपको टोटल 5 स्क्रूज आर देयर, आई थिंक सो 5 या फिर 6 स्क्रूज हो सकते हैं। तो ये है एक, यहाँ पे है दूसरा, नीचे वाला है तीसरा, यहाँ पे एक चौथा, ये भी एक पांचवा है शायद से, ये निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और एक है फ्रंट में, ये आपको दिख रहा है बहुत ही अंदर, तो ये वाला स्क्रू आपको निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट वाला फेयरिंग खोलने से। जो मैंने 4 स्क्रू पीछे साइड दिखाए थे और एक स्क्रू मैंने जो आगे दिखाया था वो, तो उसको आपको लगने वाला है ये फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस उसको ओपन करना है, एंड देन इसके पीछे जो एक माउंट लगता है उसको निकालना है, एंड दोनों भी क्लिप आपको ओपन करके मैं फिर मिलता हूँ। ये क्लिप को आपको अनक्लिप करना है सिंपली, ये जो ये वाला पिन है इसको निकाल देना है। तो जितने भी आपको क्लिप है आपको निकाल देना है, कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि जो कलर्स होते हैं वाइट को वाइट के साथ, रेड को रेड के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ, और ये मेन हेडलाइट का। तो ये था आपका सेकेंड स्टेप। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप इज टू फाइंडिंग अ राइट प्लेस टू इंस्टॉल दिस काइंड ऑफ स्विच। तो प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग यहाँ पे स्विच माउंट करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो नॉर्मली जो स्टॉक लुक है मैं जो उसको ख़राब नहीं करना है। तो ये जो स्विच है मैं थोड़ा कुछ साइड वेज, मतलब यहाँ पे मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा साइड से, तो ही कैन ऑपरेट फ्रॉम साइड से, तो उसको तो ये एप्लीकेबल लग रहा है, ईजी लग रहा है। तो ये था माउंटिंग का। देन आते हैं वायरिंग के ऊपर। वायरिंग तो मैं बहुत ही सिंपल मैं आपको बता दूंगा सिंपली। तो ये जो अपने दो है ये इंडिकेटर्स के हैं, तो इसमें आप देख सकते हो एक यहाँ पे ब्लैक है, एक ब्लू है, इसमें एक ऑरेंज है और एक ब्लैक है। तो दोनों में जो ब्लैक है वो है न्यूट्रल का, एंड ये जो ऑरेंज और ये ब्लू है तो पॉजिटिव है। आपको करना क्या है, बस इसके अंदर एक वायर घुसा के, सेकेंड वायर जो ऑरेंज वाला साइड है कौन सा, ये वाला, तो इसमें एक वायर घुसा के दोनों स्विच को आपको एक साथ लाना है। तो मैं वो वायरिंग कर देता हूँ फटाफट और फिर आपको मिलता हूँ। ये जो स्विच है इसका वायर हमें इस दोनों, ये जो मैंने कहा था कि जो रेड वाला है वो आई थिंक ड्राइवर पोजीशन से देखेंगे तो ये वाला है लेफ्ट इंडिकेटर के लिए, एंड ये वाइट वाला है राइट इंडिकेटर के लिए। तो ये जो ऑरेंज वाला है ये पॉजिटिव है, तो ऑरेंज वाला कौन सा है वो देखना चाहिए हमें। तो ये कुछ ये साइड वाला है, तो इसको ज़्यादा अंदर तक जितना जाता है उतना अंदर डालो, और बचे हुए वायर को ऐसा साइड में आप फोल्ड करके रख दो। और ये देखो इसमें भी एक ब्लैक वाला कॉमन है, तो ये नेगेटिव रहेगा, ब्लू वाला है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हल्का सा जितना जाता है उतना डालो, एंड साइड में इसको फोल्ड करके रख दो। देन लेते हैं हम अपना ये पैनल। तो पैनल के इसमें जैसे मैंने कहा था कि, तो ये वायर देखो, इसको अच्छी तरह से मैंने फिट कर दिया है, जो वायर जो ओपन था वो भी अंदर है। देन वाइट वाला लेते हैं, वाइट के साथ में इसको साइड में ऐसा ले लो, देन ये इंडिकेटर को भी आप अंदर डाल दो। तो ये अच्छी तरह से ये क्लिप इन हो गया है, तो मैं गाड़ी ऑन करके देखता हूँ, एंड वो बटन मैं ऑन करके देखूँगा। कोई भी एक साइड का इंडिकेटर मैं लेता हूँ, राइट इंडिकेटर, तो राइट इंडिकेटर फिलहाल तो ब्लिंक हो रहा है, और जब भी मैं ये स्विच अगर ऑन कर देता हूँ तो दोनों भी इंडिकेटर्स आप देख रहे होंगे, तो दोनों भी स्विच ऑन हुए हैं, ये ऑन पे है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये नॉर्मली राइट इंडिकेटर या फिर लेफ्ट इंडिकेटर आप बोल सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर हम चालू करके देखते हैं, दूसरा इंडिकेटर भी अपना वर्किंग है। मैं फिर से ये स्विच ऑन कर दूंगा, तो ये हैज़ार्डस लाइट जो इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि आपातकालीन लाइट, वो हो गया है। तो अभी अपना लास्ट स्टेप बचा है पूरी तरह से इसको इंस्टॉल करने के बाद, एंड इसको जो टेपिंग है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से मैं टेपिंग करने वाला हूँ, सो दैट कि ये किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट ना क्रिएट।
तो आते हैं सबसे फाइनल स्टेप के ऊपर, वो है प्रिपरेशन। पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको एकदम अच्छी तरह से पैक करना है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है सेलोटेप एकदम अच्छी तरह से इसको लगा दिया है। देन जहाँ पे मैंने इसको लगाया था उसको भी अच्छी तरह से एकदम वाटर टाइट सील नहीं बोल सकते, लेकिन ये अच्छी खासे हो गया। अब करना क्या है, बस इसको अंदर डाल देना है। उसको अंदर डालने से पहले मैं इंडिकेटर का जो बल्ब है वो चेंज करने वाला हूँ, लेकिन वो जो पार्ट रहेगा वो किसी और पार्ट में मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। फिलहाल तो इसमें आपको बस हैजार्डस लाइट का स्विचिंग कैसे करते हैं वो था। दिस टू दिस। हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं वायरिंग डायग्राम की तरफ से। तो ये जो वायरिंग डायग्राम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे हर स्कूटी के लिए, चाहे आपकी स्कूटी टीवीएस जुपिटर हो या फिर होंडा एक्टिवा या फिर किसी और तरह का कोई भी मॉडल या फिर कोई और तरह का ब्रांड हो। तो बस आपका जो इंडिकेटर का जो पोजीशन है वो अलग होने वाला है। जैसे टीवीएस जुपिटर में जो इंडिकेटर का पोजीशन है वो फ्रंट फेयरिंग के ऊपर है, मीन्स वो हेडलाइट का जो कनेक्शन है उससे उसका अलग रहता है, और एक्टिवा का जो इंडिकेटर सिचुएशन है वो उसके हेडलाइट के दोनों साइड में है। तो ये जो डायग्राम होने वाला है ये हर किसी स्कूटी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है वो अपना समझो इंडिकेटर है, ये हो जाएगा लेफ्ट इंडिकेटर, ये हो जाएगा राइट इंडिकेटर। मीन्स अगर सामने से देखेंगे तो, अगर आप गाड़ी के पोजीशंस पे देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, दोनों इंडिकेटर में दो दो वायर होंगे, उसमें से एक वायर जो होगा वो कॉमन कलर का होगा। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है ब्लैक हो सकता है या फिर किसी और तरह का कलर, या फिर मैं अगर बोलूँगा तो वो वाइट भी हो सकता है। वो आपके स्कूटी के इसके ऊपर डिपेंड है कि आपका वायरिंग किस तरह से होने वाला है। तो दोनों जो सेम कलर के होंगे, दोनों में भी एक वायर जो होगा वो दोनों भी सेम कलर के होंगे, वो आपका होगा न्यूट्रल, मीन्स वो होगा ग्राउंडेड वायर या फिर नेगेटिव वायर उसको बोलेंगे। तो आपको उस वायर के साथ कुछ करना नहीं है। जो पॉजिटिव वायर, अभी पॉजिटिव वायर में सिचुएशन क्या होगा, राइट इंडिकेटर के लिए उसका पॉजिटिव वायर फॉर एग्जांपल समझो वो ऑरेंज कलर का हो सकता है, ये डॉक्टर हैंडराइटिंग हो गया, और दूसरे इसमें हो सकता है वो येलो। तो आप उसके तरफ ध्यान मत दो कि दोनों यार अलग अलग कलर है तो कैसे हम गेस करेंगे। तो दोनों अलग अलग कलर जो होंगे वो उसका होगा पॉजिटिव। ओके, तो आपको करना क्या है, इन दोनों वायर के बीच में आपको एक ऑन ऑफ स्विच डालना है। ठीक है, तो ये ऑन ऑफ स्विच का काम क्या होगा, जब भी आप ये जब ऑन रहेगा, ठीक है, आप मतलब थोड़ा अलग तरीके से, जब ये ऑफ होगा आप इस इंडिकेटर में जब करंट पास करोगे, मीन्स आप जो स्विच ऑन करोगे राइट साइड के इंडिकेटर के लिए, तो वो जो करंट है वो इसमें आता होगा, बराबर है। तो ये इंडिकेटर ब्लिंक करना चालू करेगा। जब आप इंडिकेटर ये वाला, ये बीच का जो स्विच है, अगर आप उसको ऑन पोजीशन पे डालोगे तो ये पॉजिटिव का जो करंट है वो इसमें भी आएगा और साथ ही साथ इसके थ्रू इसमें भी आएगा। अब याद रहे ये ग्राउंडेड वायर है, तो ये गाड़ी के किसी भी बेयर मेटल पे ये टच रहेगा या फिर ये डायरेक्टली किसी और सेक्शन में जाएगा, तो होगा क्या, इसका जो करंट है वो साथ ही साथ राइट इंडिकेटर को भी आएगा एंड लेफ्ट इंडिकेटर को भी आएगा। तो इस तरह से आपका हैजार्डस लाइट जो है वो वर्क करेगा। ये आप किसी भी साइड के इंडिकेटर पे कर सकते हो। आप राइट साइड का इंडिकेटर नहीं चलाते हो, अगर आप लेफ्ट साइड का इंडिकेटर आप चालू करते हो और ये स्विच आप ऑन करते हो तो सेम क्राइटेरिया होगा, इसमें जो करंट आएगा वो इस स्विच के थ्रू राइट इंडिकेटर में भी आपका जाएगा। खूब सो आपको ये जो वायरिंग डायग्राम है बहुत ही सिंपल मैंने समझाने का ट्राई किया है, आपको समझा होगा। अगर आपको ये पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहेगा तो ज़रूर इस वीडियो के लिए लाइक कर देना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो 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 ऑन एंड डू इट नाउ, फील योर लाइफ विद एक्सपीरियंस नॉट थिंग्स, हैव स्टोरीज टू टेल नॉट स्टफ टू शो। बाय बाय गाइज़।